मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की तानाशाही से परेशान होकर एक व्यक्ति ने असमय ही की आत्महत्या। कांग्रेसी परिजनों समेत पहुंचे थाने, दोषियों पर कार्यवाही और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने गरीबी रेखा के नीचे रहकर मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के घर में 21,000 का बिल न जमा करने पर हुड़की वारंट काट दिया, जिससे परेशान होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरिया तहसील के सतहरा गांव के रहने वाले इंद्रभान की, जिसने बुधवार को घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंद्रभान की मौत की खबर पाकर पुलिस विभाग व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सख्ते में आ गया। अनन फनन में उसके गांव को छावनी में बदल पोस्टमार्टम करा, शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। जब तक खबर फैलती प्रशासन अपना काम कर चुका था। व्यथित परिवार अपने विधायक जनपद अध्यक्ष के घर पहुंचा। इस बात की जानकारी मिलते ही अभय मिश्रा कलेक्ट्रेट परिसर में परिजनों के साथ आ पहुंचे। उन्होंने कहा, यह सरकार का हाल है, बातें कुछ काम कुछ। अभय मिश्रा ने दुखी परिवार की बात नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से भी करवाई। कांग्रेसी नेताओं का कहना था, यह सरकार घमंड में डूबी हुई है, सरकार इंद्रभान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे, जैसा कि उसने इसके पहले भी किया है। साथ ही दोषी पुलिस व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करा जाए। जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होगी वो यहां से हटेंगे नहीं। उसके खिलाफ जब तक मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी नहीं होती और इसको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अभी वहां मिला, रतलाम में मिला, वहां मिला, उन किसानों को मिला, इसको क्यों नहीं मिलेगा? ये गरीब है, अनुसूचित जाति की है, इसलिए नहीं मिलेगा। अभी मंडी में भी मिला है, ऐसी तरह इसको भी चाहिए। और कम से कम उसका कुछ नहीं तो इतना मिल जाए कि वो जी तो सके, परिवार पाल सके। 1 करोड़ की मुआवजा राशि उसे भी मिलनी चाहिए। और जब तक उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, जो धमकी दे के गए और मरे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अनुसूचित जाति का व्यक्ति जब इतना प्रताड़ित है तो इस देश में क्या होगा? आदिवासी समाज बहुत गरीब तबका है, बहुत गरीब है, मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है। बहुत ज़्यादा खेती होगी तो आधा एकड़ एक एकड़ अगर होगी भी तो, अरे एक अगर होगी भी तो एक एकड़। उसके घर पे नहीं है, लाइट नहीं है, फ्रिज नहीं है। गांव के अंदर ना लाइट है, ना टीवी है, ना फ्रिज है। आप भी जानते हैं, एक मड़ैया में रहने में ना लाइट लगाएगा, ना फ्रिज लगाएगा, ना टीवी लगाएगा। बता दे पूरा, बता दे खाने में लगा बा, खाने में बता, स्पीकर ऑन कर दीजिए, हम लोग सुने। अरे बात बात कर बात कर लो, अपना कर ले। हाँ बात हमारे लगे वीडियो रिकॉर्डिंग बा, हम गए आए हैं, पास है इनकी, जमा करेंगे तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिला पंचायत चलो हाथ में, होश में आओ, होश में आओ।
अब इनको सहायता क्या दे आपको लगा हुआ था कैमरा भी लगा मैं हाल है बहन जी पुलिस वाले सीधे उठाए और ले गए तो याद है लेकिन उठाए और सीधे ले जाके सीधे ये आजकल एक तरीका सा हो गया है पीएम कराओ और जला के अपने ऑटो में लाइके कहीं पीएम हो जाए फिर ले आया बिजली आप पीएम लाए छावनी वाला बोले कि क्या करने बोला कि पीएम कराने के बाद जो है बिजली आप लोग गांव से पहले ऑटो बना के रखते थे तो बोले पार्टी के सरकार को पहले आप पीएम करा लो जब पीएम हो गया तो इन्होंने कहा कि अब पुलिस जबरदस्ती करके गई और इनके परिजनों को जबरदस्ती दबाव बना के संस्कार करा इसके साथ अब चाचा आप बताइए कागज आपके पास आप जानकारी पहली बार ये बैठ जाओ।